यस, निम सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं आस्था से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 195 है, जो कि एमपी मंदसौर से हैं। तो आस्था, सबसे पहले तो 195 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और आस्था ने भोपाल क्लासरूम में पढ़ाई की हुई है, और सबसे खास बात यह कि इसने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है। बीच बीच में सेमिस्टर एग्जाम थे, घर भी गई, मंदसौर ज्यादा दूर नहीं है, बट कभी भी निम सेट पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। तो आस्था, मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी एंटायर, कब आपने सोचा और किस ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट की, और दोनों को कैसे मैनेज किया, ये बच्चों को आप बताएं। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सब हुआ है शरद सर की वजह से हुआ है। शरद सर की हेल्प के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। निमसेट के लिए, निमसेट से मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी जब मेरी एक बैचमेट ने मुझे एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था निमसेट से। जब सेकेंड ईयर में थे तब डिसाइड करना ही था कि बीसीए के आगे क्या करना है, क्योंकि बीसीए अलोन एज अ डिग्री इज नॉट सफिशियंट। तो फाइनली रिसर्च करी और निमसेट के बारे में पता चला, और जब पता करा तो इम्पिटस ही वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स हैं। और शरद सर के बारे में पता चला, इनके प्रीवियस स्टूडेंट से बात हुई, तो फाइनल हुआ कि हाँ इम्पिटस ज्वाइन करना है। पर क्योंकि मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तो मैं ऑनलाइन ही ज्वाइन कर पाई थी। फर्स्ट मैंने लास्ट ईयर जो कोर्स एल बैच स्टार्ट हुई थी जून एंडिंग में, वो मैंने ज्वाइन करी थी, और कॉलेज के साथ ऑनलाइन मैनेज किया है। सुबह कॉलेज जाती थी, फिर आके शाम को निमसेट की पढ़ाई, क्लासेस कवर करना, सर की वर्कशीट्स वगैरह। दिसंबर तक वो चला है, एंड देन फाइनल सेमेस्टर जब मेरा था तब हमें सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट बनाना था और अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी। एंड आई यूज दैट एंड देन आई कम टू भोपाल ताकि मैं यहाँ आकर अपना 100% दे सकूँ, पूरा अटेंशन मेरा ज़्यादा निमसेट पे रह सके, क्योंकि मुझे डिग्री पे इतना ध्यान देना नहीं था उस वक्त। तो मैं यहाँ आ गई, शरद सर के गाइडेंस में मैंने यहाँ पर रहकर 5 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के स्टूडेंट्स सब ने बहुत सपोर्ट किया है। इवन मैंने एग्जाम्स दिया है जाके, प्रोजेक्ट बनाया है पूरा सब कुछ, लेकिन फिर भी सब मैनेज हो गया है क्योंकि शरद सर ने बहुत हेल्प की है। तो आस्था बिल्कुल सही है। पहले आस्था ने देखिए ऑनलाइन प्रिपरेशन की, जनवरी के बाद आया। ऐसा बहुत कॉमन होता है, कई बच्चे जब मुझसे पूछते हैं आपकी बाहर से इसकी, सर अभी दोनों मैनेज कैसे करें, मैं बोलता हूँ आप स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन पढ़ो, जब आपको लगे आप भोपाल शिफ्ट हो सकते हो। और वही इस बच्ची ने भी किया। पर बीच बीच में जैसे आप सेमेस्टर देने गए, कभी कभी ऐसा मन में आया क्या, कई फाइनल ईयर वाले बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं सर दोनों मैनेज नहीं होंगे, कहीं फाइनल ईयर पे इफेक्ट तो नहीं आएगा, तो कोई ऐसा कोई समय जब आपको लगा कि पता नहीं मैनेज होगा कि नहीं या कर पाऊंगी कि नहीं, वो जरूर बताओ, क्योंकि बच्चे ये जब जानते हैं तो वो अपने आप में सही डिसीजन ले पाते हैं। सर, ऐसा मुझे एक बार लगा था जब मैं ऑनलाइन में थी, तब ऑफलाइन में आने के बाद ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं कि आप किसी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर तो नहीं ले रहे हो। क्योंकि जब भी प्रेशर ज़्यादा होता था मैं यहाँ पर शरद सर से बात कर लिया करती थी और वो मुझे बहुत हेल्प करते थे। पर जब मैं ऑनलाइन में थी और मेरी 5th सेमेस्टर की एग्जाम्स चल रही थी, एमएसटी एंड डीएसटी वन बाय वन हुई थी, और वो इतना ज़्यादा उस वक्त लोड हो गया था क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, साथ में मेरी कोचिंग्स चल रही थी, प्लस कॉलेज और एनएमसेट की पढ़ाई। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था कि कैन आई इवन डू इट, मैं ये भी क्वेश्चन करने लगी थी। पर तब घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि जितना हो पा रहा है करो, नहीं होगा तो आगे ड्रॉप का ऑप्शन है। पर क्योंकि घर वालों का सपोर्ट था तो वो चीज़ हो पाई और आज यही रिजल्ट आया है। तो आस्था देखो, आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया, ये सब किया। अब इस बार का पेपर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का था, कई बच्चों से रॉन्ग भी हो गए, सिंपल क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गए। तो जब आप इस बार एग्जाम देने गए, ये बहुत बच्चों के कॉमन क्वेश्चन है, तो एक स्ट्रेस लेवल कई बार एक्चुअल पेपर का होता है, वो आपके साथ हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो उसको कैसे हैंडल किया, तीनों सेक्शन को किस ढंग से हैंडल किया, हमने टेस्ट पेपर में हर वैरायटी के लिए थे क्वेश्चंस, वहां जाके आपको क्या क्या फील आया वो जरूर शेयर करो, और साथ में अपना स्कोर बताओ बच्चों को। मेरा ओवरऑल स्कोर रहा है 485.5। पेपर को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, जो कि आपको सब टीचर्स भी बोलेंगे और ये चीज़ आपको भी हमेशा रखनी रहेगी कि कोई माइंडसेट नहीं रखना है पहले से। क्योंकि इस बार बहुत लोगों ने बोला था कि इस बार पेपर बहुत इजी आएगा क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। हर एग्जाम में होता है कि जब भी कोई नया चेंज होता है तो पेपर इजी आता है, बट जिन बच्चों ने वो माइंडसेट बना लिया था उन लोगों को प्रोबेबली इस बार प्रॉब्लम आई होगी। मैंने यही ट्रिक यूज करी कि मैंने कोई माइंडसेट नहीं रखा। जब मेरे सामने क्वेश्चंस आए,
मैं कभी भी वो चीज लेके गई ही नहीं थी कि आज ये PYQ आएंगे, मुझे वो ढूंढना है कि PYQs कौन से आएंगे, या मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चंस ढूंढने कि मुझे कौन से आते हैं, या फिर वो कि मुझे सिर्फ टिक करने हैं जो मुझे आते हैं. नहीं, जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं उन्हें सॉल्व करो, जो नहीं बन रहे हैं स्किप करो. सबसे पहले मैथमेटिक्स सेक्शन खुला था, ठीक है, लगा कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो जितने बने जितने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकती थी विथ मिनिमाइजिंग रॉन्ग वंस वो किए. देन LR पे शिफ्ट, वही था कि सर एक ही चीज बोलता है कि जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे स्विच करें तब कभी भी आप पुराने सेक्शन का प्रेशर दूसरे सेक्शन पे लेकर ना जाएं. जैसे ही मैथ्स से LR पे स्विच किया, अगर उस वक्त मैं ये सोचने में लग जाती कि मैथ्स में इतने कम अटेम्प्ट रहे हैं अब LR में क्या होगा, तो प्रोबेबली मेरा LR और ज्यादा बिगड़ जाता. बट क्योंकि मैंने LR के सेक्शन को जब स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ LR पे फोकस किया, इसलिए मैंने वहां भी अच्छा किया. देन उसके बाद कंप्यूटर एंड देन इंग्लिश. और इम्पिटस पे होने का एक फायदा यही है कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पे इतना अच्छे से फोकस किया जाता है कि मैं सारे सेक्शंस का स्कोर काफी अच्छा रहा है, सिर्फ एक सेक्शन का नहीं, सारे सेक्शंस में स्कोर इतना अच्छा रहा है कि हाँ मैं एक्चुअल में बता सकती हूँ कि मैंने सारे सेक्शंस अटेम्प्ट किए हैं. आस्था, ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं और उनको कई बार ऐसा लगता है एक बार फाइनल कर लें फिर जाके हम निमसेट के लिए तैयारी करें, तो उनके लिए आपका स्ट्रांगली क्या मैसेज होगा जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में हैं, उनको क्या करना चाहिए और आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी डिग्री चल रही है, सबसे पहली तो ये चीज़ रहेगी कि आप जितना जल्दी ज्वाइन कर पाएँ उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कॉलेज के साथ इट इज़ हार्ड. तो अगर आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आप स्मॉल पोर्शंस में उस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, आपके ऊपर लास्ट ईयर में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप लास्ट ईयर में भी करते हैं तो यू कैन डू इट, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर तक आते आते प्रेशर बहुत कम हो जाता है कॉलेज में. आपको सिर्फ अपने मेजर प्रोजेक्ट पे ध्यान देना होता है, जैसा कि मैंने किया था कि लास्ट ईयर में मुझे पता था कि मैं ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर, तो मैंने इसीलिए ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था. आप लोग भी पहले ऑनलाइन ज्वाइन करके देखिए, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करिए. देन अगर आपको लगता है कि आप इसमें अपना और ज़्यादा अटेंशन देना चाहते हैं, अपना और ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन शिफ्ट कर लीजिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेज के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉलेज एक लिमिटेड आवर्स के लिए होता है. निमसेट की पढ़ाई भी एक लिमिटेड आवर्स के लिए भी आप करेंगे एंड यू कैन स्टिल डू इट. बस वही है कि आप पहले ऑनलाइन करके देखिए, इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन डू इट. देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आस्था जब यहाँ से एग्जाम के बाद घर जा रही थी तो उसने कुछ इम्पिटस के जूनियर्स के लिए गिफ्ट दी कि सर कोई बच्चा है तो उसको दीजिए। तो आस्था जरा आप ही बताइए, एक तो आपने डायरी दी थी मुझे, कुछ इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिनको किस ढंग से इसने यूज किया वो आपको बताएगी ये भी, तो मैं चाहूंगा कि आप ये बच्चों को बताएं कि किस ढंग से आपने अपने पेपर के एनालिसिस किए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखी। जी सर, सबसे पहला ऑफलाइन आने का फायदा ही यही हुआ था कि मैंने टेस्ट एनालिसिस पे फोकस किया है. और ये चीज़ ऑनलाइन में सर हमेशा बोलते थे कि टेस्ट एनालिसिस कीजिए, बट कभी इतना ध्यान दिया नहीं. एनालिसिस किया पर इतने अच्छे से किया नहीं. जो यहाँ पर आने के बाद एनालिसिस किया, इम्प्रूवमेंट इतना जल्दी दिखा है स्कोर में, रैंक में, तो वो चीज़ थी. और प्लस कंप्यूटर का जो मेरा स्कोर रहा है, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, वो इसीलिए क्योंकि मैंने बाहर का कोई कंटेंट नहीं पढ़ा है. जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे टेस्ट में, उन सबको मैंने एक नोटबुक बनाई थी एंड देन आई जस्ट यूज टू डू कि मैं सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया करती थी प्लस विद ऑप्शंस, और आंसर्स या तो मैं साथ में लिख लेती थी या फिर पीछे. जब भी मुझे रिवाइज करना होता था तो बस इन्हीं क्वेश्चंस को मैं रिवाइज कर लिया करती थी. और आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन कंप्यूटर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आए थे जो यहाँ पर मॉक में करवाए गए थे हमें. बिल्कुल सही बात बोली शिवम सर ने, जो करवाया था सीयूटी में भी और जो निमसेट में, पूरा पोर्शन ही वही यस था सर, और उसका फायदा हर बच्चे को मिला। अच्छा ये क्या है ये भी आप बच्चों को बताएं, ये बहुत अच्छी चीज लगी थी मुझे, तो एक बार बच्चों को दिखाते हुए आप बताएं। ये कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं जो मैंने बनाए थे. आप लोगों ने प्रोबेबली इस बारे में सुना होगा. फ्लैश कार्ड्स बनाए जाते हैं किसी भी टॉपिक के रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए. ये मैंने मैथ्स के लिए बनाए थे. हर टॉपिक के लिए अलग अलग कलर्स चूज कर लिए थे. एंड देन सिंपल सी चीज कीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि आपको याद ही रखने हैं, आप ये कीजिए कि सबसे पहले आगे की फ्रंट साइड पे वो क्वेश्चन लिख लीजिए एंड देन उसके बैक साइड पर उसका आंसर, और अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन की नीड है तो उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए. देन जब भी आप एट द एंड ऑफ द डे, आपने दिन भर में जितने भी फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, आप एक
टारगेट रख लीजिए कि आपको सोने से पहले उनमें से कोई से भी 50 क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। मैं जनरली ये क्या करती थी कि मेरी रूममेट जो थी हॉस्टल में, वो मेरे सेम, हम लोग सेम स्ट्रीम से भी नहीं है, बट स्टिल आई आस्क्ड हर कि तुम मुझसे प्लीज ये क्वेश्चंस पूछो, एंड देन हम रोज रात को 50 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिया करते थे। उससे होता है कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, यू कैन इंस्टेंटली सी द आंसर, और वो आपको मोस्ट केसेस में याद रह ही जाता है, और जो आपको याद रह जाते हैं तो इट्स गुड फॉर यू। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, यू कैन इजीली कैरी इट एनी वेयर। और लास्ट के एग्जाम के जब 2 दिन बचे थे, तब मैंने यही किया है कि सिर्फ इन्हीं फ्लैश कार्ड से पढ़ाई करी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। ये कंसेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शो कर रहा हूँ। देखिए ये फ्लैश कार्ड है, जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत थी यहाँ लिखा है, पीछे उसकी फॉर्मूला और शॉर्ट टेक्स्ट लिखी। जब भी आप बैठे, जैसे अब क्या होता है, हम कई बार पढ़ने बैठते हैं, सोचते हैं कि पढ़ने जब बैठे तो हम हमेशा बुक खोल के पढ़े। ये इतनी छोटी चीज है, अपने सामने रख ली, खाना खा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पॉकेट में है, आप 5-5 मिनट में भी यूज कर सकते हैं इसको। कोई जरूरी नहीं कि घंटों की पढ़ाई, पर इससे आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अपना एनालाइज कर सकते हैं। और जब इसने दी तो मैंने सोचा मैं बच्चों को तो दूंगा, पर मैं बच्चों को देने की जगह हर बच्चों को देके ये बच्चों से बनवाऊंगा, क्योंकि ये इसकी मेहनत के हैं। इसने जो क्वेश्चन लिखे, जो थॉट लिखे, वो इसके हैं। तो वैसे ही आप लोगों के लिए भी ऐसा कर सकते थे। बहुत अच्छी टिप थी कि कम समय में आप बहुत अच्छे से रिविजन कर सकते थे, कंप्यूटर में बहुत अच्छे से डायरी बनाई, जिसका फायदा मिला। और ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा, आप भी अपने आप को अगर निमसेट 25, 26 या 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से एक पॉजिटिव माइंड के साथ समय रहते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर किसी भी चीज की प्रिपरेशन सही समय पे की जाए तो उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो आस्था, आपने बहुत अच्छा रैंक अचीव किया, अब आप अच्छा एनआईटी भी अचीव करेंगे। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच और ऑल द सर, बेस्ट। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। बेटा।